खोलो तुम लोग मेरी बेइज्जती करवा के छोड़ोगे। रुको, इस चिंपांजी ने बोला कि दीदी भाई मेरे को इस बाटी में दे दो, इनके बाटी में दे दो, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। माई लवली व्यूअर्स, सो आज वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी का जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है। सबसे ज़्यादा तो मुझे सपोर्ट आप ही लोगों ने किया है, और दूसरा सपोर्ट है मेरे फैमिली का, मतलब मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरे घर के सभी। इनके बिना और आपके बिना मुश्किल था मेरा ये जर्नी। जीरो से उठ के आज मैं 6000 का एक मेरा फैमिली है। मैं बोल सकती हूँ कि अभी मेरा एक मायका, एक ससुराल मेरा, और एक फैमिली है जो है यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग को जितना भी मतलब मैं थैंक यू बोलूँ कम ही होगा। तो फाइनली आज शायद वो टाइम आ गया है कि मेरे जो मेहनत है वो रंग लानी शुरू हो गई है। बस मैं चाहती हूँ आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे मेरे वीडियोस पे। कुछ भी खामियां नज़र आती है कमेंट में बोलिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अच्छी नहीं लगती है तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं ठीक कर पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव सिंपल विद संगीता। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग अच्छे होंगे आई होप, और आप लोग के प्यार भगवान के आशीर्वाद से हम सब भी ठीक है। तो अभी मैं हूँ किचन में, रोजी रहती हूँ इस टाइम पे, और आज मेरा लंच बन गया है। टाइम शायद 10:30 हो गया होगा। सो क्या क्या बनाया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। फिश करी बनाया है और आलू और फूलगोभी के साथ एक मिक्स सब्जी बिना प्याज मछली के बनाया है। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा। तो मम्मी जी का मन था शायद पोहा खाने का, तो भाई से मंगवाया है। और यहाँ पे देखिए मैंने पोहा को धो के अच्छे से भिगो के रख दिया है। तो मछली ज़्यादा था नहीं, कल गैस लोग गुटू हुई जी से दा एक तो दरो 5 मिनट। तो भाई भी ऑफिस जा रहा है, रेडी हो चुका है शायद, तो वो भी शायद पोहा खा के जाएगा। तो मैं अभी पोहा बना रही हूँ। हैं अच्छी, तो मछली कल ज़्यादा था नहीं, एक दो पीस था और मछली का सर था, कुछ बचा हुआ था। तो उन सबको मिला के मैंने आलू टमाटर के साथ एक बना दे, दोपहर में चल जाएगा। और आलू और फूलगोभी का एक सब्ज़ी बनाया है, वो भी अगर मेरे हस्बैंड अभी चावल खाएंगे तो चावल भी बना लिया है, आज रोटी नहीं बना है, तो वो चावल के साथ खाएँगे। दोपहर को ये चल जाएगा लंच में, तो इसलिए अभी पोहा बना रहे क्योंकि हम लोग तो चावल नहीं खाएँगे सुबह को। और कल जो गेस्ट लोग आए थे उनके लिए जो खाना बनाया था रात तक सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो बहुत अच्छा हुआ कि सब कुछ अगर डेली का डेली ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट डे आप फ्रेश बना पाते हो, खाने में भी अच्छा लगता है। पर क्या करें, अगर कभी रह जाता है तो वो खरीदने का मन नहीं करता। तो चलिए गाइस अभी फटाफट से मैं पोहा बना लेती हूँ, नहीं तो भाई को लेट हो जाएगा। वो चावल खाएगा, पोहा खाएगा, मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है वो पोहा ही खाएगा क्योंकि उसे भी पोहा पसंद है। तो चलिए फटाफट से पोहा बना लेते हैं। बादाम को भी मैंने फ्राई कर लिया है लाल लाल करके, और मम्मी भी वहाँ पे वेट कर रही है। तो चलिए सब्जी को थोड़ा बॉयल होने के लिए मैंने ढक के रखा था, देखते हो गया कि नहीं, थोड़ा सा बाकी है। हम सबको ना ये वाला पोहा ज़्यादा पसंद है, प्याज वगैरह देख के जो बनाते हैं, और करी पत्ता देख के बनाने वाला मम्मी को पसंद नहीं है, मुझे भी इतना खास पसंद नहीं है। मुझे हम लोग बचपन से खाते आए हैं, मतलब चिरर पुलाव बोलते हैं, अभी तो इसको वैरायटी नाम दिया गया है, कोई पोहा कोई ये कोई वो। तो हम लोग तो बचपन से खाते आए हैं इसको प्याज के साथ, है कि नहीं? भाई भी पोहा ही खाएगा, तो हम लोग इसलिए आज आजकल करी पत्ता रहता है फिर भी नहीं देते। हो गया है भाई, हम लोग खा सकते, सबका दांत है। जब दादी जी थी ना तब थोड़ा टेंशन रहता है, कुछ अगर ज्यादा हार्ड रह जाएगा तो दादी को खाने में प्रॉब्लम होगा, पर आजकल तो दादी नहीं है इसीलिए टेंशन नहीं है।
फटाफट से पोहा बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा पोहा रेडी है। अभी मैं सबसे पहले भाई के लिए लेती हूँ बादाम। अभी नहीं मिक्स करूँगी तो चले सारे प्लेट में निकाल लेते भाई। छोड़ो रे, आज उसमें देंगे सुंदर सुंदर बाटी में सबको खाना। मम्मी बस ये सब तभी निकालते हैं जब घर में गेस्ट आते हैं, हम लोग के लिए कभी नहीं निकालते। आज हम लोग भी इसी बाटी में खाएंगे पोहा। और मम्मी कर रही है भाई का टिफिन रेडी। यो पोहा नहीं खाओगे गुट्टू? तुम बैठो, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम लोग मेरी बेइज्जती करवा के छोड़ोगे, रुको। ये देखिए गाइस, अभी हम लोग वीडियो बनाने दो, उसके बाद में खाना खाओ। ये देखिए गाइस, ये मम्मी का, ये बोनू का, और ये मेरा पुराना वाला प्लेट। मम्मी ने मुझे आज फिर से ये वाला पार्टी नहीं दिया, और ये भाई ने खाया था। तो इस चिंपांजी ने बोला कि दीदी भाई मेरे को इस बाटी में दे दो, इनके इनके बाटी में दे दो, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। रेडियो स्टूडियो तू खाऊनी नहीं की अपनो खाऊनी मोबाइल मेरे रे हां बुद्धि बनता है। रुको तेरे मोर बुद्धि कम पाले बेसी हो रहा है। मैं जा रहा हूं काम बाका। अच्छा तेल कम हुआ है तेल। खाना नहीं जल्दी कुटिया खा बिना बाबा खाना खाई तो ना तुम्हारे लिए वो चलो चलो ना। सो दोस्तों हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, और अभी देखिए ये बैठी है और यहाँ पे मम्मी बैठी है, दोनों बैठी है कि परसों को मेरा एक पार्सल आया था तो उसको मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया है, तो ये दोनों इसीलिए बैठे हैं कि तो माँ तो हो रही थी जाम तो तोड़ सुलो ना जाम दू दिन ना दिखा रखी एकदम माँ को। तो मम्मी बोल रही है मैं तो एक सेकंड भी नहीं रही थी, उसको साथ साथ में खोल ली थी, पर परसों को मैं ब्लॉग ख़त्म करने वाली थी तभी आया, और कल घर पे लोग थे वो जाते जाते अंधेरा हो गया, उसके बाद में मैंने खोला नहीं। सो अब खोलेंगे, अभी घर पे कोई खाली नहीं, घर पे खाली है, कोई नहीं है। को मैंने रखा यहाँ पे, वीडियो खोल लेगा इसलिए। खुलवाएंगे, खोलो, तुम बसो, तुम बसो। छोड़ो खाबो, आज तो बाल आसे ना माँ, थोड़ा डिफरेंट में मैंने लिया है, हमेशा लाल पीला ये सब लेती हूँ, ऐसे प्रिंट मैंने पहना नहीं है कभी, फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई कर रही हूँ। है हैं तुम्हारा, तुम्हें लेडीज ड्रेस पहनो घूमा नहीं जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा प्रिंट मैंने पहले पहना नहीं था तो मैंने ऐसे ठीक है এটা পরে দেখ এটা তো খোলো প্যান্ট কো খোলো কাপড়া দেখো কাপড়া ये तो अच्छा है और ये अच्छी है ना ना ফুটে ভালো আছে খোলো রে খোলো इसको पूरा না কোয়ালিটি ভালো আছে চেঞ্জ করতাম না ওটাই খালি না চেঞ্জ করতাম না মা এটা কালিটা হ্যাঁ তো কাম্মা কা হে সাইজ তো ঠিকই আছে না রে
তো গলা তো ফুড়িয়ে দেখতে লাগবো, এটা তো বোঝা যায় না ভিডিওর বুঝতে। तो दोस्तों मैंने पहन लिया एक्सेल मंगवाया था पूरा एकदम फिटिंग्स, मेरा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। रोकी वो हमारे रिकॉर्डिंग करा वैसे ओ कोरियो सॉरी, मैं तो दिखा ही नहीं पा रहा। तो देखिए ये पीछे से ऐसा है, पीछे से क्या है, मुझे तो अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, क्वालिटी भी ठीक ही है। जिसको चाहिए वो कमेंट में कमेंट करो, प्राइस बताऊंगी। ओके बंद कर। तो दोस्तों मेरा नहाना हो गया है और अभी टाइम हो रहा है प्रीत के स्कूल से आने का, तो बहन आता ही होगा इसलिए मैं नीचे आई। আচ্ছা গাড়ি থেকে সিরাজ মা কিছু আছে গাড়িতে, আমি মজাক করি। মজাক কি করে আমার ফলিং তো নষ্ট নেই বাচ্চা এখন। तो हम सब का लंच हो गया है, अभी हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, तांबूल खाएंगे, तांबूल मम्मी भी खा रही है, देखिए हम लोग, क्योंकि मैंने पहले कभी तांबूल नहीं खाया और कल इसकी मम्मी आई थी ना तो भाई लेके आया था, वो लोग तो खाते हैं ऐसा मिस्टर, हम लोग नहीं खाते, पर आज मैंने बोला कि हम मैं खाऊंगी। सुपारी खाए होकर सुपारी ओटा ऐ सुखना भी जा मादक से एक बार भाई से एक्सपीरियंस सुखना तो नरम तो बुनु दे कमने दिबे फटाफट बनाई ला ठीक है। तो तांबूल दिबो আমরা তো দিছ না, তুই ভদ্রতা করুন করছ না, আজকে দে তামুল দিয়ে ভদ্রতা কর। এখন তাই কেমনে দিব, কেমনে দিব, এমনি খাই দিব নি যা মানে ফানের লোকে খাই না নি না কিটা কে সুপারি দি রকম খাইতে হবে এরকম না খায়, আপনি শুনছেন না থোড়ি খাইতে যতাই না করাত লাগবো গাইতে করে দিয়ে দাদা মিষ্টি নি খায় আলে আর मेरी क्या बोला अगर गले में लगेगा तो दादा तेरे माँ मुके दिला मैं तुम सब सक्की हमार कुछ चोरी बताइए दिल लो सुपारी पान खाई सो मिशन कंप्लीट तांबूल पान। तो चलिए गाइस आज का वीडियो इतना तक ही, कुर्ता कैसा लगा और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं अपना रखूँगी, बाय एंड टेक केयर। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए।